अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MTML यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी को आज इसका लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। यहाँ पर इसको तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री को लॉन्च हुए। इस टाइम पीरियड में इसको बहुत सारे सिक्योरिटी पैचेस और अपग्रेड्स मिले, तो यहाँ पर आज हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे इसको आज का लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट कौन सा मिला है, क्या इसका अपडेट साइज़ है, क्या अपडेट वर्जन है और आने वाले दिनों में इसको कोई अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो में मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी आने वाली वीडियोस आपके स्टेटस बार पर आपको मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि आज वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी को इसका लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। यहाँ पर इसको अक्टूबर 2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। ये इसका लास्ट अपडेट है। 2016 में ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी। इसके साथ साथ गूगल का जो ओरिजिनल पिक्सल और पिक्सल एक्सल फ़ोन था, पिक्सल वन और पिक्सल एक्सल वन, वो भी सेम ईयर यानी कि 2016 में लॉन्च हुए थे। यानी ये चारों स्मार्टफोन जो हैं एक साथ लॉन्च हुए थे और इन चारों स्मार्टफोन्स को तकरीबन 3 OS अपग्रेड्स यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड्स जो थे एंड्रॉयड के वो मिले हैं। और सिक्योरिटी पैचेस तो अनगिनत हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मिलते रहे हैं और आगे हो सकता है कि शायद इनको ये दोनों को ना मिलें सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स। तो ये इसका लास्ट अपडेट है। तो इसके लास्ट अपडेट के साथ साथ इसको सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉयड OS अपग्रेड्स जितने भी हैं वो अब मिलना बंद हो जाएंगे। ये इसका लास्ट अपडेट है। 3 साल के अंदर इस डिवाइस ने 3 सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हासिल किए और सिक्योरिटी पैचेस 3 साल के अंदर मंथली ये रोल आउट होते रहे वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी के लिए। यहाँ पर मैं आपके साथ एक इमेज शेयर कर चलूँ जिसके अंदर बताया गया है कि इसका बिल्ड नंबर क्या है। यहाँ पर लास्ट जो है वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री का सिक्योरिटी पैच बिल्ड नंबर जो है वो 9.0.6 है। ये जब 2016 में लॉन्च किया गया था तो एंड्रॉयड मार्शमेलो इसके अंदर इंस्टॉल था और आज जब ये रिटायर्ड हो रहा है तो इसके अंदर एंड्रॉयड 9 पाई का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल है 9.0.6 ऑक्सीजन OS का। तो काफ़ी खुशी की खबर है, 3 साल का सपोर्ट एक स्मार्टफोन के लिए काफ़ी बड़ी बात हो गया। लेकिन गूगल जो है वो अपने जितने भी अदर स्मार्टफोन के साथ जिनका कोलैबोरेशन है तो वो उनको 2 साल का OS अपग्रेड और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो देने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सल की तरह वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी को 3 OS अपग्रेड यानी 1 OS अपग्रेड ज़्यादा मिला। सिक्योरिटी पैचेस एज यूजुअल 3 साल के जो थे वो इनको मिले और आज इसको लास्ट सिक्योरिटी पैच जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर वन प्लस के जानब से एक मैसेज दिया गया जिसके अंदर उन्होंने बताया है, दिस विल बी द लास्ट अपडेट फॉर दीज 2 डिवाइसेज एंड वी कैनॉट थैंक यू enough for your invaluable feedback throughout these 3 years. With your support, we improved Oxygen OS across the 3 major Android versions and dozens of updates. तो ये था मैसेज जो वन प्लस थ्री और वन प्लस थ्री टी के लिए वन प्लस वालों ने डिलीवर किया है। यहाँ पर जो लास्ट इसका चेंज लॉग है जिसके अंदर मैं आपको बता चलूँ कि इसको अपडेटेड किया गया है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच को अक्टूबर 2019 के अंदर। इसके बाद जनरल बग्स फिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट्स इसमें ऐड की गई हैं और लास्ट में अपडेटेड GMS एप्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स,
एक GMS ऐप जो है वो इसके अंदर अपडेटेड ऐड की गई है। तो फ्रेंड्स ये था इसका लास्ट अपडेट OnePlus 3 और OnePlus 3T के लिए। इसके बाद इसको कोई अपडेट नहीं मिलने वाला। ये इसका लास्ट OS अपग्रेड था जो 9Pi का 9.0.6 ऑक्सीजन OS का इसको मिला था, और यहाँ पर अक्टूबर का लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट इसको मिल चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि ये अपडेट जो है बैचेज में रोल आउट होता है, तो तमाम OnePlus 3 और OnePlus 3 के यूनिट्स तक पहुँचने के लिए इसको तकरीबन कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उन यूज़र्स को जिनके पास OnePlus 3 और OnePlus 3T के स्मार्टफोन्स हैं। ग्रेजुअली इनको जो है बैचेस के तौर पर, इनको बैचेस वाइज इनको लास्ट सिक्योरिटी पैच अक्टूबर का सिक्योरिटी अपडेट जो है वो मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी ने इसको जल्द अपडेट करना है, वेट नहीं कर सकते, तो जाके वेबसाइट के ऊपर इसको मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। OnePlus की वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट हो चुका है, वहाँ पर आप उससे वो डाउनलोड करके अपने OnePlus 3 और OnePlus 3T के सेलफ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी आने वाली वीडियोज़ का आपके स्टेटस बार पर ज़रूर मिल जाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।